अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नाम उस्मान और आप देख रहे हैं साहिबुल उमामा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह पाक ने जितने भी अंबियाकराम भेजे, बहुत से पैगंबर भेजे, जितने भी पैगंबर भेजे उनमें से बहुत से पैगंबरों को अल्लाह पाक ने मौजज़ात अता किए। तो आज मैं आपको कुछ पैगंबरों के मौजज़ों के बारे में बताऊंगी कि अल्लाह पाक ने उनको कौन से मौजज़े अता किए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मौजज़ा अता किया कि उनकी लाठी एक अजदे का रूप अख्तियार कर ली थी। ये वही अजदे का रूप था जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू फिरौन के जादूगरों को हराया, फिरौन के जादूगरों को शिकस्त दी। और दूसरा मौजज़ा ये मिला था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि उनके हाथ में अल्लाह पाक ने इतनी रोशनी दी थी, इतनी चमक दी थी कि वो आफ्ताब की, वो सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होती थी। और तीसरा मौजज़ा ये दिया था कि दरियाए नील के दरमियान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए 11 रास्ते बन गए और वो उसमें से गुजर के चले गए। और फिर जब फिरौन की कौम आई तो उसमें गर्क हो गए, वो रास्ते ख़त्म हो गए और वो उसकी कौम उसमें गर्क हो गई। तो ये तीन मौजज़ा दिए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा ये दिया था कि वो मुर्दों का हाल जान लेते थे, किसी मुर्दे का उन्होंने पता करना होता था, उसकी हालत पता करनी होती थी तो उसको जिंदा करके उसकी हालत जान लेते थे। और दूसरा मौजज़ा ये दिया था कि वो नाबीना को बीना कर देते थे, यानी कि जो इस शख्स की आँखों की बिनाई चली गई है, वो अंधा हो गया है, उसकी आँखों में रोशनी नहीं, तो उसको बीना कर देते थे, उसकी आँखें ठीक कर देते थे। और तीसरा मौजज़ा ये था कि वो चिड़ियाओं मिट्टी की चिड़िया बनाते थे और उसको जिंदा करके उसको उड़ा देते थे और वो उड़ जाते थे। और हमारे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात मिले थे। जैसे पहला मौजज़ा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि वो मिराज पे गए थे, मिराज के सफर पे गए थे। और दूसरा मौजज़ा शक्कुल कमर है, यानी कि कुफार ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें कोई मौजज़ा दिखाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। फिर जब सभी लोगों ने उन दो टुकड़ों को देख लिया तो दो टुकड़े वापस जुड़ गए और चांद वैसी हो गया जैसा था। और तीसरा मौजज़ा ये था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कामों के बारे में, जो अभी काम हो ही नहीं थे, जो भी बातें हुई नहीं थी, उनके बारे में बता देते थे और फिर जैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे वो काम वैसे ही होते थे, उसी तरह होते थे। और चौथा मौजज़ा ये था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से एक दो आदमियों का खाना सैकड़ों आदमी बहुत से लोगों में काफ़ी हो जाता था। जैसे वो वाकया मशहूर है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोग बहुत दिनों से भूखे थे, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में एक दूध की प्याली आई तो उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया कि आप पी लें आके। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को लेके आ गए। तो और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई तो एक दूध की प्याली सब सहाबों में काफ़ी हो गई, सबने जी भर कर पिया और वो सब सहाबों में काफ़ी हो गई। तो ये मौजज़ात थे जो अल्लाह पाक ने अम्बिया कराम को दिए थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।